नमस्कार, मैजिक रसोई में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे आलू और चने की दाल की टिक्की, जो बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी बनती है। ये बहुत ही अच्छा स्नैक्स है। हमने चने की दाल को रात भर पानी में भिगो के रख लिया था। अब हम इस चने की दाल को मिक्सचर जार में अच्छे तरीके से पीस लेंगे। हमने दो उबले हुए आलू लिए हैं और इसका छिलका निकाल लिया है। इसको अच्छे तरीके से आलू को मैश कर लेंगे। हमने आलू देखे अच्छे तरीके से मैश कर लिए हैं। इसमें एक हरी मिर्च काटकर डाल देंगे और हरा धनिया भी डाल देंगे। आधा चम्मच हम नमक डाल देंगे। आप अपने टेस्ट के अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आधी चम्मच हम लाल मिर्ची का पाउडर डाल देंगे। आधी चम्मच गरम मसाला भी डाल देंगे। आधी चम्मच अमचूर पाउडर, आधी चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर डाल देंगे। आधी चम्मच चाट मसाला भी डाल देंगे। इसके बाद हम दो चम्मच चावल का आटा लिया है हमने, वो भी डाल देंगे, जो हमने दाल ग्राइंड की थी चने की दाल, वो भी इसमें डाल देंगे। अच्छे तरीके से सभी चीज़ों को मिला लेंगे। चावल के आटे से हमारी टिक्कियाँ बहुत ही क्रिस्पी और कुरकुरी बनेंगी। हमने सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। आलू के मिक्सर को हम हाथ में लेकर इसको टिक्की की शेप देते जाएंगे। दो आलू में हमारी 5 टिक्कियाँ बनकर तैयार हो गई है। गैस को ऑन करके हम उस पर एक पैन रखेंगे और उसमें बहुत सारा तेल डालेंगे। हमें इसे डीप फ्राई नहीं करना, शैलो फ्राई करेंगे अपनी टिक्कियों को। हमने तेल डाल दिया है और तेल को थोड़ा सा आटा डालकर चेक कर लेंगे हमारा तेल हुआ या नहीं। हमारा तेल अच्छे तरीके से गर्म हो गया है। अब हम इसमें अपनी सारी टिक्कियाँ डाल देंगे। हमने पैन में टिक्कियाँ डाल दी है और देखो हमारी टिक्कियाँ नीचे से हल्की ब्राउन कलर की हो गई है। अब हम इसे पलट लेंगे। हमने सारी टिक्कियों को पलट लिया है। जब हमारी नीचे से भी अच्छे तरीके से कलर चेंज हो जाए टिक्किया का, इसको हम पलट लेंगे नीचे से भी। देखो हमारी टिक्किया कितनी क्रिस्पी बनी है, कितनी अच्छी आवाज़ आ रही है। हमारी टिक्किया सिक चुकी है। अब हम इसको निकाल लेंगे। हमारी टिक्किया बहुत ही बढ़िया और क्रिस्पी बनी है, बहुत ही टेस्टी बनी है। हम इसे हरी चटनी और केचप के साथ सर्व कर रहे हैं। आप भी इसको बनाएं और इंजॉय करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। बाय बाय।